बंगला बन के उस मालकी के साथ में फेरे लेके और जो छनों पर चीजें मिली अपनी काबू करके वहां से वापिस चल पड़ता है। चलता चलता विचार करता मन में कि रे तने तो गलत काम किया, संकल्प को एक बार किया जाता हो तने फेरा पकड़ लिया, अरे उसने छोड़ कर लगा ये दोष लगेगा तेरे। चलता चलता उसी साधु के पास में पहुंच जाता है, जाकर दंडोत प्रणाम किया। साधु ने पूछा कि बता बढ़िया काम हे महाराज, काम तो बन गया लेकिन कुछ रह गया क्या? क्या प्रेसिडेंट कहते कि संकल्प तो एक बार किया जाता है और वो मन फेरा पकड़ लिया और उसने छोड़ कर जाऊंगा ये दोष लगेगा मेरे। निमला वापिस चला जा तेरे को मिल जाएगी। वाह, साधु के कहने से धर्मान सेठ की नगरी में वापिस आ गया। और जब सुबह विदाई का टेम आया, जब उन सेठ लोगों का वो क्रूर परिणाम देखा, धर्म मालकी ने बोली कि पिताजी तेरे साथ को धोखा करे, राय तो नहीं होना था फिर आप उस प्रांत को वहां से भगा देते। और जब जब धर्म मालकी की नजर पड़ा लड़का चंद्रगुप्त, अपनी माँ से यह कहती कि माँ रात में तो वो था फिर आप, उसकी माँ अंदर लेगी पकड़ के, बेटा कड़ा चला गया। क्या बताऊं क्यों कि चला लगा था, धोखा करके जाऊं था, लेकिन जब उस साधु के कहने से वापिस आया, रास्ते में एक जति सती की कथा बताई थी, कुछ देर वो सुनी और उसने सुनकर वापिस आ गया। के था उसमें कि न्यू था उसमें, क्या कहता है कथा सुनी जति सती के धर्म की, जो याद रहे गई मन में, एक साल पहले सालों नरेश के साथ मत कर दी गई थी।
जिस समय सगाई हुई उसी दिन से संकल्प कर लिया था कि मैं शादी इसके साथ में करवाऊंगी। एक साल विषम पितामह ने बेटी कर कर घर पर रखी, फिर बेटी रखवाई, अपने पिता के वचन को भूलिया नहीं। और जब मैं छोड़ के जाऊं और इसने भी संकल्प कर लिया कि मैं इसके साथ में जाऊंगी, ये दोष सारा मेरा लग गए दूसरे नंबर पर। याद नहीं जगदीश सुनो प्रिंसिपाल जी सोच कुछ मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। क्या कहा दो नंबर पे क्या लिखा दिल्ली पुलिस छोर किशोर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। आखिरी नंबर पे देखिए पुर्जियों ने उदाहरण दर्शाए एक ऐसा मृग बताया जाता है जिसकी नाभि में वो किस्तूरी पाई जाती है। तो मुरेड आदमी ने भिजवाई दी है मृग की तरफ भटकता फिरू था मेरे को ज्ञान नहीं था। और जब आप कथा सुनी जब मुझे ज्ञान होया कि रत का गलत काम करके जा था। क्या कहा आखिरी नंबर पे
जिंदगी के साए, ओ भाई तेरा दिया है, जिया जो पूछना जाए।